Hello everyone, welcome to Success Series Education. And as you all know that I'm Divya, your science educator, and I'm again meeting you. Or aaj hum karenge dobara se ek practice karenge ek sample paper. As you all know ki term 1 bahut bahut close hai aur hum aap logo ko practice kara rahe hain pure paper ki taki aapse kahin pe bhi koi mistake na ho and you should be perfect in science. To aaj fir hum karenge sample paper ki practice science. That is for term 1. So let's quickly begin. I am very excited. आपको पता है मुझे पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत अच्छा लगता है और जब मैं भी आपके जैसी थी, मैं भी 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं अपनी प्रिपरेशन के बाद बहुत से पेपर सॉल्व करती थी. क्योंकि पता आपको क्या होता है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या जो कि रिपीट हो सकते हैं, ठीक है. दूसरी बात, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सिलेबस तो वही रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड वो होते ही हैं. और एक बात, ऐसा प्रैक्टिस सेशन करने से आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो और आप पेपर के पैटर्न से फैमिलियर रहते हो और पेपर देखकर आप डरते नहीं हो. सो बेसिकली दिस इज फॉर योर बेनिफिट. तो करते हैं आज हम शुरू इस पेपर को, एक प्रैक्टिस करते हैं एक सैम्पल पेपर को. सो लेट्स क्विकली बिगिन. तो मैं पहले से आपको पेपर पैटर्न बता दूं. आपको पता है 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, 3 सेक्शंस रहने वाले हैं जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेगा. सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे कोई भी 20. सेक्शन बी के अंदर होंगे 24 और आपको अटेम्प्ट करने होंगे यहाँ भी कोई भी 20. सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे एनी 10. All the questions will carry equal marks and there will no negative marking. तो ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड अनआंसर्ड आप नहीं छोड़ के आना, क्योंकि इससे कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है. तो अपने ट्रिक्स को यूज करते हुए, अपने गेसेस को यूज करते हुए और अपनी नॉलेज को यूज करते हुए जो भी क्लोज ऑप्शन लगे उसको टिक जरूर करके आना. अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चाहे आपको एग्जाम में 20, 20, 10, any 20 मतलब चॉइसेस है आपके पास, बट यहाँ पे मैंने इस पेपर के अंदर 24, 24, 12 क्वेश्चन ही रखे हैं और मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन ए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 ml of HCl and 10 ml of NaOH solutions are taken in two separate beakers labeled 1 and 2 respectively. आपको बोला गया है 10 ml HCl और 10 ml NaOH solution हमने दो separate beakers में ले लिया. एक चीज याद रखना कि mostly जैसे आपको यहाँ पे कोई concentration से related numericals आपके syllabus में नहीं है, तो कहीं पे भी आपको 10 ml, 10 ml, 5 ml ये सब दिया होता है, वो सिर्फ आपका confusion बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो उसको आप neglect कर सकते हो. सो beaker दो है, तो मैंने यहाँ पे एक rough figure बना ली है. एक के अंदर HCl और एक के अंदर NaOH हमें बोला गया है. और हमें बोला गया है कि वी आर एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू बोथ द बीकर्स. दोनों में हम क्या डाल रहे हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स. अब जिंक का फॉर्म कोई भी हो, ग्रेन्यूल्स हो, रॉड हो, बेसिकली होना तो केमिकल रिएक्शन ही है. तो अगेन फॉर्म्स जो लिखी जाती है वो इसलिए लिखी जाती है ताकि आपका कन्फ्यूजन बढ़ा सके, क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सके. और अगर आपकी तैयारी कहीं भी कमजोर रहेगी तो आप लोग डर जाओगे ऐसे क्वेश्चन से और नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. बट अगर तैयारी बराबर से होगी तो ऐसा प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगा. ओके, तो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने दोनों बीकर्स में डाले और इट इज ऑब्जर्व दैट एट रूम टेम्परेचर ए ऑप्शन गैस इज इवॉल्व विग्रेसली इन बोथ द बीकर्स. गैस इज इवॉल्व विग्रेसली इन बीकर वन एंड नॉट इन बीकर टू. गैस इज इवॉल्व विग्रेसली इन बीकर टू बट नॉट इन बीकर वन. और नो गैस इज इवॉल्व. तो मैंने आपसे बताया कि कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हो तो आपको पता है कि कोई भी चीज आप डाल रहे हो तो बेसिकली यहां पे हमें बताना होगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी और अगर होगी तो क्या बनेगा. अब Zn plus HCl बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यू विल गेट जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. और जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा यू विल गेट सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस. तो बेसिकली यहां पे दोनों ही बीकर्स के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है. दोनों ही बीकर्स में गैस इवॉल्व होगी. सो बेसिकली ए वुड बी द राइट ऑप्शन कि गैस इज इवॉल्व विग्रेसली इन बोथ द बीकर्स क्योंकि दोनों में रिएक्शन हो रहा है. सो ओएमआर शीट पे आप ए ऑप्शन को इस तरीके से डार्कन कर दोगे. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस बीकर. बीकर दिया है और आपको पूछा गया है कौन सा रिएक्शन है. जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन सा रिएक्शन है, तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, रिडॉक्स है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है. आपको पता है सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एंड यू शुड बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट, तभी आप कर पाओगे. अब यहाँ पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और आयरन का कंटेनर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो उसको छोड़ दो. और CaO और H2O, बेसिकली चूने में जब हम पानी को मिलाते हैं, CaO इज चूना और क्विकलाइम, और यू कैन कॉल इट एज कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपने ये एक्टिविटी अपनी NCERT में की है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम पानी में डालते हैं तो हिजिंग साउंड आती है, क्योंकि वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है. सो बेसिकली वो हिजिंग साउंड किस चीज़ की होती है, हीट इतने प्रेशर से निकलती है, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब ऑप्शन में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन, तो हमारा रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक, राइट. तो बी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, इतनी ज्यादा होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है दैट इट प्रोड्यूसेस द हिजिंग साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ फ्लो चार्ट, डोंट बी स्कैर्ड, एंड आई होप अब तो आपको डर फ्लो चार्ट से बिल्कुल भी लगता नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऐसे. सो वी हैव मेटल ऑक्साइड, डाइल्यूट HCl, वी गेट सॉल्ट, और दूसरा क्वेश्चन मार्क. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लिखते हैं या डाइल्यूट HCl लिखते हैं, और आपको दिया है कि ये सॉल्ट बनाता है, ऑब्वियसली सॉल्ट मेटल क्लोराइड ही बनता होगा, और साथ में हमें नहीं पता बट हमें पता है H और O मिलकर बनाता है वाटर. तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, वाटर. इसमें अब यहाँ दिया है कि कौन से दो कॉम्बिनेशंस करेक्ट है, मेटल्स के नाम दिए और गैस इवॉल्व दिया है कि होती है कि नहीं. तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल आप ले लो, चाहे कॉपर ऑक्साइड ले लो, चाहे आयरन ऑक्साइड ले लो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, चाहे जिंक ऑक्साइड ले लो, जब भी आप इसको रिएक्ट करोगे तो वो सॉल्ट और पानी ही बनाएगा, हाइड्रोजन गैस किसी भी स्टेप में इवॉल्व नहीं होगी. सो बेसिकली याद दिया है कि कॉपर में नहीं होगी, जो कि सही है, आयरन में नहीं होगी, बिल्कुल सही है. मैग्नीशियम और जिंक का जो आपको डेटा दिया है वो गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं, अब वाटर रिलीज होगा. सो बेसिकली 1 और 2 यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस है, और हमारे गिवन ऑप्शंस में से 1 और 2 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर्ड प्रोडक्ट. अब ये क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से है, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें कलर्स को स्पेसिफाई किया जाता है वो उसके लिए आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं जिनका कलर होता है, प्लीज़ एक उसका चार्ट बना लो और उन कलर्स को अच्छे से लर्न कर लो. इवन किसका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है या कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है. अब यहाँ दिया है KClO3 ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म KCl+O2, NH3+HCl फॉर्मिंग अमोनियम क्लोराइड, CuSO4+H2S फॉर्मिंग दिस, Pb3O4 हीटेड फॉर्मिंग PbO. दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज वी नो PbO इज द येलो कलर्ड सब्सटेंस. सो वी हैव डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी के अंदर पीबीओ बनता है जिसका कलर क्या है, येलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच NaOH इज एडेड टू HCl. अगेन अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, डोंट बी स्केयर्ड, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनके आंसर्स इन्हीं के ग्राफ के अंदर ही होते हैं या फिगर्स में ही होते हैं. अब आपको दिया है कि जो ग्राफ है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रहा है, और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनता है सॉल्ट और वाटर. अब यहाँ क्या कर रहे हैं, NaOH को ऐड कर रहे हैं HCl में. ओके, तो बेसिकली रिएक्शन एसिड है HCl और बेस है NaOH, सॉल्ट बनेगा NaCl और साथ में पानी. तो ग्राफ दिया है जो कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है, विच लेटर डिनोट्स द हाईली बेसिक एरिया. अब NaCl तो न्यूट्रल होता है, उसका तो pH 7 होगा. हाईली बेसिक यहाँ पे A, B एंड C आपको दिया गया है, और हमें पता है जो बेसिस होते हैं उनके pH जो होते हैं वो 7 से अबव होते हैं, मोर देन 7. मैं लिख देती हूँ यहाँ, देयर pH इज मोर देन 7 एंड इट लाइज बिटवीन मोर देन 7 to 14. अब यहाँ पे हाईली बेसिक पूछा है, तो हाईली बेसिक मतलब जो जितना 14 की तरफ होगा, और वो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी. सो सी वुड बी द राइट आंसर, आप देर ना करते हुए इसको इस तरीके से मार्कन कर देंगे.
अब देखिए इन क्वेश्चंस को कराते हुए मैं बहुत टाइम ले रही हूँ आपके साथ, बिकॉज टाइम आपने नहीं लगाना है। ये टाइम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रही हूँ कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके ऑप्शंस देखने हैं, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है और कैसे राइट आंसर को क्रैक करना है। ओके, तो ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ ना क्वेश्चन कराते हुए, इट इज जस्ट टू यू नो एक्टिवेट योर माइंड सो दैट यू कैन थिंक इन दैट वे। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 3 Fe प्लस 4 H2O फॉर्मिंग Fe3O4 प्लस 4 H2O, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपने ऑप्शंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, आपको पता लग गया ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की तरह हमें इसको पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। और आपको पता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करता है बट खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। अब हाइड्रोजन के साथ यह वाटर है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट रही है तो बेसिकली उसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब ये पूछा गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दोनों ही एक बात, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। तो जिस ऑप्शन में आपको दोनों जगह H2O दिखेगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो बिना दूसरे ऑप्शन पे फोकस करते हुए बी को इस तरीके से मार्कन करो, टाइम को सेव करो और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले तो रिएक्शन करना जरूरी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको पूछा गया है सरफेस ऑफ जिंक बिकम्स ब्राइटर, नो। सरफेस ऑफ जिंक बिकम्स ब्लैक एंड डल, यस। मेटल टर्न्स इनटू पाउडर, नो। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स ग्रीन, नो। सो बेसिकली बी इज द राइट आंसर कि जो जिंक का सर्फेस है वो डल हो जाता है, रफ हो जाता है और ब्लैक हो जाता है। सो बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेरेंट एसिड और बेस, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस मतलब वो एसिड बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट है आपका अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले तो स्टेप होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने से पहले आप वैलेंसी नहीं आएंगी तो फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, और अगर फॉर्मूला नहीं लिख पाए तो बस तुक्के ही मारते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट यू लर्न वैलेंसीज रेडिकल्स प्रॉपरली बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ केमिस्ट्री, करोगे ना लर्न, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न इट। अब इसमें हमें चाहिए पेरेंट एसिड बेस। आपको पता है एसिड हमेशा हाइड्रोजन देता है और बेस हमेशा OH देता है, और जब ये रिलीज होगा ये इसके साथ और ये इसके साथ रिएक्ट कर दो और आपके पास आपका पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड आ जाएगा। सो NH4OH इज द पेरेंट बेस, तो यहाँ NH4OH आपका एक ही ऑप्शन में है और पेरेंट एसिड इज H2SO4, अगेन इट इज इन B, सो B वुड बी द राइट आंसर, सो यू हैव टू सर्कल B लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो लेट मी टेल यू, क्लोर अल्कली प्रोसेस इज अ प्रोसेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच वी गेट इज NaOH, H2 एंड Cl2, सो ए वुड बी द राइट आंसर। अब यह NaCl नहीं हो सकता क्योंकि ये रिएक्टेंट होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस में, तो ये गलत है, Na2CO3 का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और प्रोडक्ट NaCl तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्पेसिफाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉटर। अब कैसे स्पेसिफाई करोगे, अब पता नहीं कैसे पूछा गया है स्पेसिफाई करने के लिए, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, लाइम विद वॉटर आपकी हिजिंग साउंड वाली एक्टिविटी है, यू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द चेंज इन कलर ऑफ प्रोडक्ट, नो, द कलर रिमेन्स वाइट ओनली। चेंज इन टेम्परेचर, येस, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो ऑब्वियसली द टेम्परेचर राइजेस। चेंज इन स्टेट, नो। एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नो। सो बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर इज राइट आंसर, सो क्विकली डार्कन दिस बी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Next question, it is based on the life process and as we can see the respiratory system, so that means it is from the second part of life process, that is respiration. So diagram shows part of human gas exchange system, that is clear, that is the respiratory system. Select the option which gives correct identification and main function or the characteristics of the shown labels.
सो वी हैव डिफरेंट लेबल्स, हमें बताना है कौन सा सही से आइडेंटिफाइड भी और करेक्टरिस्टिक भी जिसका सही हो, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डब्ल्यू इज आइडेंटिफाइड एज लैरिंक्स, दैट इज आवर वॉइस बॉक्स. एक्स इज आवर ट्रैकिया बिकॉज आई कैन मेक आउट द रिंग्स इन इट. Y is bronchioles, that is the small tubular structure running into the alveoli. And Z is basically the bronchus. That is the main tubule which extends into the finer branches, that is bronchioles. Okay, so that means they are identified correctly. All of them are correctly identified. Function dekhte hai, wahan hame twist pakka milega, wahan hame correct dhoondna hai. So trachea, it serves as a passage for food. No, not at all. It is a passage for air, not for food. Food chala gaya, to aapko pata hai ki itna cough hota hai, agar by chance bhi chala jaye, to aur wo to trachea ko block hi kar dega. No, so this is incorrect. Bronchiole, it deliver air to the capillaries. Yes, it deliver air, but not to the capillaries, to the alveoli. Again, wrong. It serves as a chamber for both respiratory and digestive function. No, it is a voice box. Bronchus, it act as a passageway that leads from trachea to lungs. Correct. हमें पता है कि जो trachea है, it divides into these branches which are bronchus. So they lead from trachea to lungs. So Z is the correct option. That means the D part. So you have to darken D and move to the next. Next question again we have from live process, and this time we have it from part 1, that is nutrition, because you can easily see that there is a human digestive system diagram given. So the diagram shows the human gut. Yes, we know. Which numbered structures secrete digestive enzymes? So we can see that they are numbered and we have to tell them ki kaun digestive enzyme secrete karta. Pehle to identify kar lete hai. One is J-shaped part and you all know it is a stomach. Two is the leaf-like structure below stomach, which is pancreas. Three is the coiled structure, that is the largest part of alimentary canal, which is small intestine. Four is a wide tube, we know that it is large intestine. Five is the largest gland of a body, liver. And six, we all know that is mouth or buccal cavity. So, isme se enzyme kaun kaun secrete karta hai? माउथ करता है. यस, माउथ करता है क्योंकि माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि स्लाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करते हैं. स्टमक करता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं. पैनक्रियास करता है, पैनक्रियास इज द ओनली ग्लैंड यू नो विच सिक्रीट एंजाइम्स एज वेल एज हॉर्मोन्स. यस, इट ऑल्सो डज, इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस इट हैज इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन इट, सो इट ऑल्सो सिक्रीट्स. लार्ज इंटेस्टाइन, नो. Liver, it secretes bile juice, which is not a digestive enzyme. So basically, the enzyme is secreted by mouth, stomach, pancreas, and small intestine. Now let's look for the option. Stomach, pancreas, correct. Small intestine, no, large intestine nahi hota, so incorrect. Stomach, pancreas, small intestine, mouth. Ye sab sahi hai. Pancreas, small intestine, large intestine, no. Pancreas, small intestine, liver, no. So that means B is the correct option, jiske andar sare combinations wo hai जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्वड इन गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट. सो लेट मी रिकॉल यू कि जो वुडी स्टेम होती है उसके अंदर स्पेशल तरह के लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स होते हैं. इट कंटेन लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स एंड दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. राइट, सो lenticel is the right answer, so B would be the right answer. Next question, when a person eats some egg white proteins and water enter the stomach, okay, which substances are found leaving the stomach and leaving the small intestine? To bilkul sahi, aapko pata hai jo egg hai, egg ke andar ek yellow portion hota hai aur egg ke andar ek white portion hota hai. और जो भी फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं वो व्हाइट खाते हैं, पता आपको है ना, तो येलो में बहुत फैट होता है. सो बेसिकली जो व्हाइट पोर्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. ठीक है, तो प्रोटीन आपका स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है. तो स्टमक में प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में. सो बेसिकली व्हेन इट विल लीव द स्टमक, इट विल बी सम ऑफ द अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड वाटर. बट स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है सारा का सारा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि सारा एब्जॉर्प्शन ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो यहाँ से जो निकलेगा दैट विल बी ओनली वाटर.
सो दैट मीन्स डी वुड बी द राइट आंसर कि स्टमक से निकलते हुए उसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और वाटर रहेगा, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस कर देगा तो सारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, पानी, विच विल लीव द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव इट फ्रॉम पार्ट वन लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन. आइडेंटिफाई द करेक्ट फेज ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो. डायग्राम दिया है, आपको पता है इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर या अमीबा है, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल बन गया, अंदर आ गया, एन अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट. अब इसके अंदर से ए पार्ट है, अमीबा इंजेस्ट द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सीलिया प्रेजेंट. नो, इट्स नॉट करेक्ट. फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्यूजेज ओवर फूड पार्टिकल टू फॉर्म फूड वैक्यूल. करेक्ट. अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट ऑफ द बॉडी. नो. Inside the amoeba, there is a simpler substance diffused into nucleus. No. So only the B statement is correct, which represents or you can say which goes well with the diagram shown. So B is the right option. Next question. You have a diagram of human heart. So obviously it is related to the part 3 of life process, that is transportation. We have something written in column 1 labeled as A, B, C and D. And we do have column 2. Okay, so we have to correlate them and match them. So basically, पहले तो A, B, C, D को identify कर लेते हैं. A is this lower part, which is right side part, right ventricle. Okay, D is left ventricle. C is left auricle, and the B is right auricle. Okay, so let us match them. तो A आपके पास है, A is right ventricle. Right ventricle के अंदर impure blood right auricle से आता है और वो lungs पे भेजता है purification के लिए. तो oxygenated वालों को तो consider नहीं करेंगे, deoxygenated को करेंगे. From it goes to lungs. बिल्कुल सही है. So A goes well with 3. अब ऐसे ही B देख लेते हैं. B is identified as right auricle. Right auricle में impure blood सारे body part से आता है through vena cava. सो अगेन ऑक्सीजनेटेड नहीं देखकर, एक ही है डीऑक्सीजनेटेड वाला, कि ब्लड फ्रॉम बॉडी फ्लोज टू इट. सो बी गोज विद 4. सी को देखते हैं, सी इज लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल जिसके अंदर प्योर ब्लड लंग्स से आता है, फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्टेड टू इट, इट मैचेस विद 1. एंड डी इज ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, और वैसे भी करेक्ट है. डी इज लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स पे पहुंचता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 1, 2, एंड द कोड्स आर गिवन. So this is incorrect, C1 is correct and D is incorrect. So we'll go with option C. तो इस तरीके से आपने पहले identify करना है, फिर options को पढ़ते हुए उसको match करना है. Next question. A person traveling at daytime in foggy weather is not able to see things clearly on a road because of. बिल्कुल सही है. जब बहुत फॉग होती है, अब जैसे विंटर शुरू हो गई है तो बहुत फॉग होती है, और जब फॉगी वेदर में जाते हैं हमें चीज़ें धुंधली दिखती है, क्लियरली नहीं दिखती है. मैं तो फॉगी वेदर में ड्राइव कर ही नहीं पाती हूँ, और आप, मेरे को लगता है आप लोगों को भी लगता है कि हमें बहुत धुंधला दिखता है, कुछ दिख ही नहीं पाता. तो ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फॉग इज वेरी हाई. लाइट सफर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय ड्रॉपलेट्स. Fog absorb light rays. No. Light is scattered by tiny water droplets. This is correct. Basically क्या होता है, fog का मतलब है सर्दियों में बहुत water droplets होते हैं air के अंदर, तो वो क्या करते हैं, सारी की सारी light को scatter कर देते हैं, और जो light आपकी आँख तक पहुँच रही है वो बहुत कम है, इसीलिए हम चीज़ों को clearly नहीं देख पाते. So D would be the right answer. Next question. Choose the correct depiction for dispersion of white light on passing through a prism. आपको प्रिज्म दिया है और आपको बोला है कि वाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो किस तरीके से डिस्पर्स होगी. अब आपको पता है कि जब हमारे पास प्रिज्म होता है और उस पे वाइट लाइट डालते हैं तो वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस. और आपको ये भी पता है कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, और हम बेस से स्टार्ट करके उसको विबग्योर लिखते हैं. सो वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है और रेड सबसे कम. सो बेसिकली यहाँ पे 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. सो ए इज द राइट आंसर. Okay. Next question. Linear magnification of an image formed by a mirror is 3/2. The mirror is 3/2 का मतलब है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 1.5. मतलब m का वैल्यू दिया है 1.5. अब प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, और सेम साइज इमेज का मतलब उसका मैग्निफिकेशन होता है 1. कॉनकेव मिरर लेस देन 1 भी बनाता है, आपको पता है, मोर देन 1 भी बनाता है, और इक्वल टू 1 भी बनाता है. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा लेस देन 1 डिमिनिश्ड इमेज बनाता है.
कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं हो सकता. सो बेसिकली 1.5 मतलब बड़ी बन रही है इमेज, तो इट वुड बी अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि वही हमें इतनी सारी तरह के कॉम्बिनेशन दे सकता है. सो बी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास. कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, इसको हमने लिक्विड में रखा, और ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ग्लास से ज़्यादा है, ग्लास से. तो मैं इस चीज़ को रिकॉल कर पा रही हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, कभी भी अगर हम लेंस को कोई ऐसे मीडियम में रखते हैं या उसको सराउंड कर देते हैं किसी ऐसी चीज़ से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा है, तो वो उसकी नेचर को ऑल्टर कर देता है. अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये सारी रेज को एक पॉइंट पे मीट कराता है. बट अगर आप इसको सराउंड कर दोगे एक ऐसे मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सो इट विल चेंज इट्स नेचर और ये बन जाएगा डाइवर्जिंग. अब देखते हैं ऑप्शन क्या थे. विल एक्ट एज डाइवर्जिंग, ट्रू. विल डिसअपियर, नो. वाई वुड इट डिसअपियर. विल फॉर्म मैग्निफाइड इमेज, नो. रिमेन कॉन्वर्जिंग, नो. सो ए वुड बी द राइट आंसर. इट विल टर्न इन टू अ डाइवर्जिंग लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस है और तीन स्टूडेंट्स ए बी सी ने इसका फोकल लेंथ मेजर किया एंड लेबल द डिस्टेंस एज F1, F2 and F3. ओके, स्टूडेंट ए सॉ शार्प इमेज. शार्प इमेज जिससे मुझे याद आ रही है, शार्प इमेज हमेशा फोकस पे बनती है. बी सॉ स्लाइटली ब्लर्ड लार्ज इमेज. ब्लर्ड एंड लार्ज इमेज, ओके, लिख लेते हैं ब्लर्ड एंड लार्ज इमेज. ओके, सी सॉ स्मॉल ब्लर्ड इमेज, उसको स्मॉल और ब्लर्ड इमेज ही दिख रही है. ओके, सो दैट मीन्स F1 तो आपका फोकस पे हो गया, लार्ज इमेज और एक स्मॉल इमेज. तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ को हमें रिलेट करना है. तो फोकल लेंथ जो F1 होगा वहाँ पे सबसे शार्प इमेज बनी है, मतलब वो फोकस पे होगा, और F2 जो होगा वो उससे बड़ा होगा और F3 उससे छोटा होगा, क्योंकि स्मॉलर इमेज तब बनती है जब वो उसके पास रहता है, ठीक है. और इसीलिए हमारा ऑप्शन F3, F1, F2 ये वाला होगा कि F2 सबसे बड़ा होगा, फिर F1, और सबसे छोटा कौन सा होगा, F3, मतलब उतना ही वो क्लोजर होगा. सो सी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डायग्राम ऑफ अ रे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मिरर. अब आपके पास चारों ही केस में कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेसिकली रूल्स पे बेस्ड है. तो यहाँ पे जो रे पैरेलल आती है, मैं आपको रूल्स रिकॉल करा देती हूँ, जो पैरेलल आती है वो डाइवर्ज कर जाती है, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू सी. और दूसरा आपके पास होता है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, फोकस सी से. तो जो रे आती है, द रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सी, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ. ये दो रूल्स होते हैं. अब यहाँ पे पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, विच इज करेक्ट. सी से नहीं पास होती है, ये भी गलत है, और फोकस वाली रिट्रेस नहीं करती है. सो ए वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जो रे पैरेलल आती है वो डाइवर्ज कर जाती है एंड अपीयर्स टू पास टू एफ. सो दिस वुड बी द, ए वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम चाहते हैं कि इरेक्ट इमेज मिले, इरेक्ट मतलब वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब उससे उतनी बड़ी, By using a convex lens use करते हुए, और focal length 20 centimeter, focal length दिया है 20 centimeter, तो object को हमें कहाँ place करना पड़ेगा optical center के से, कितना दूर करना पड़ेगा, 40, 20, more than 20 और less than 20. So let me tell you कि जब आपको image चाहिए virtual and erect, और आपके पास है convex lens. कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है. तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मतलब इट शुड बी लेस देन 20, इट शुड बी लेस देन 20. सो दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा दैट हैज टू बी लेस देन 20. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी, इन दिस केस इट वुड बी लेस देन 20. डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तभी जो इमेज है वो सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है. ठीक है.
ठीक है, और फ्रंट ऑफ द लेंस पे बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रे ऑफ लाइट आई एम इज इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे ऑन द सर्फेस ए बी, यस दिस इज अ सर्फेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट इमर्जेंट. सो ऑब्वियसली इट इज एयर एंड ये एक सर्फेस है, तो लेट्स से दिस इज अ डेंसर मीडियम, तो यहाँ से जब ये पास करेगी ये रिफ्रैक्ट होगी एंड देन इट विल इमर्ज आउट. और हमें पता है कि इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती है बट लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है, क्योंकि वो किसी और मीडिया से ट्रैवल होकर वापस अपने मीडियम में आती है. तो यहाँ पे जो रेज दिए वो एन आर एन क्यू एन पी दिए, बट आउट ऑफ इट एन क्यू विल बी द करेक्ट आंसर, इमर्जेंट रे विल बी द एन क्यू, सो बी विल बी द राइट आंसर. सो आई थिंक यू गॉट इट. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द सेक्शन ए. सो लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे, ये हमने अलग अलग बुक्स से कलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, और हम चाहते थे कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम यूज़ करें ताकि आपका थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो पाए और आपकी तैयारी और भी परफेक्ट हो पाए. सो लेट्स क्विकली बिगिन विद सेक्शन बी नाउ. तो आपको पता है कि बी सेक्शन में भी हमारे पास 24 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 20. सो मेक श्योर कि जो आपको बेस्ट 20 आते हो वही सीक्वेंस आप उठाना, क्योंकि आपके फर्स्ट 20 ही कंसिडर किए जाएंगे. सो द क्वेश्चन इज, लेट टेट्रा ऑक्साइड एरो हीटेड फॉर्मिंग पीबीओ प्लस एक्स. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन दिया गया है. अगर इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म से मैं इसको फॉर्मूलाज में लिखूं, सो दिस इज Pb3O4, एरो पे हीट का मतलब है एंडोथर्मिक, मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं और ये ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होकर ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट PbO बनाएगा और साथ में X क्या है, O2 गैस इवॉल्व होगी. अब ये चीज कैसे बनेगी, ये आपको कैसे आएगी, वो आपको अपने NCERT को थॉरली पढ़ना है. ओके, ये बेसिकली एक एक्टिविटी की फॉर्म में आपको NCERT में दिया गया है. ओके, तो क्वेश्चन में करना क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड गैस इवॉल्व. तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंडोथर्मिक और गैस इवॉल्व. अब देखो यहाँ एरो पे हीट दिया गया है, तो जिस भी रिएक्शन में एरो पे हीट दिया होता है सो दैट इज क्लियर कि वो कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें हम इनिशियली हीट सप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, मतलब ये बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से ए और सी है जहाँ पे आपको टिक दिख रहा है कि ये एंडोथर्मिक है. गैस इवॉल्व ये भी आपको पता है कि होगी, O2 गैस इवॉल्व होगी. तो जिस भी ऑप्शन में दोनों जगह टिक होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है और इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व भी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर सॉल्यूशंस ए बी सी एंड डी, चार सॉल्यूशंस जैसे कि देख सकते हो ए बी सी और डी लिए गए एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर रिकॉर्डेड. उनका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन रिकॉर्ड किया गया और उसी बेस पे ये हमें बार्स दिए गए हैं. ओके, पूछा क्या गया है, विच सॉल्यूशन हैज द हाइएस्ट pH वैल्यू. तो मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ, आपको पता है कि pH का डेफिनेशन होता है माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ये हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन का वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब जितना ज्यादा pH होगा, मोर या हाई आप कह सकते हो, जितना ज्यादा pH होगा उतना लेस कंसेंट्रेशन होने वाला है हाइड्रोजन आयन का, और जितना लेस वैल्यू होगा pH का उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होने वाला है. तो यहां क्या पूछा गया है, हाइएस्ट pH वैल्यू. हाइएस्ट pH वैल्यू मतलब जिसका pH सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा pH किसका होगा आप बताओ. अगर pH हाईएस्ट है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा. ठीक है, तो हाईएस्ट pH वैल्यू पूछा गया है ना, तो हाईएस्ट pH वैल्यू जिसका हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे कम हो वो आप देख सकते हो वो किसका है, ए का. तो ए का जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो लीस्ट है, इसलिए इसका pH वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होगा. सो दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द वेज टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन FeSO4 क्रिस्टल्स. तो यहाँ पहले मैं आपको याद करा दूं आपकी NCERT की एक्टिविटी, FeSO4.7H2O इज ग्रीन विथड्रॉल.
तो जब आप इसको हीट करते हो, क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ हीट ही दिया गया है, तो सबसे पहले इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है. ओके, उसके बाद फर्दर हीटिंग करने से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी Fe2O3. आपके पास Fe2O3 बन जाता है और साथ में इसके पॉइजनस गैसेस इवॉल्व होती है SO2 और SO3. ठीक है, बेसिकली ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. अब आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से पकड़ रखा है टेस्ट ट्यूब को, तो हमें बताना है करेक्ट वे टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन FeSO4 एंड द रीजन बिहाइंड इट. तो मतलब ये कौन सा सही तरीका है, और आप देख सकते हो 2 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, कि मतलब थोड़ा दूर करके पकड़ा गया है, और बिल्कुल सही है, हमें थोड़ा दूर करके ही पकड़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत पॉइजनस गैसेस निकलती है जो कि हमें इनहेल नहीं करनी चाहिए. तो हमारी ऑप्शन है ए, 2 पॉइजनस गैसेज आर हार्मफुल टू बी इनहेल्ड, करेक्ट. द बबल्स ऑफ एनी गैस कैन कम आउट, नो. द माउथ, नो. सो बेसिकली यहाँ पे ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2 और 4 सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ आपको 2 तो दिया ही गया है. सो ए वुड बी द राइट आंसर. अगर यहाँ पे 4 भी दिया होता तो 4 भी एक एक्यूरेट पोजिशन है हीटिंग ऑब्जर्व करने की FeSO4 क्रिस्टल्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेटल्स Zn, Fe, Cu एंड Al, 4 मेटल्स इनको लिया गया एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला गया और उनके रिजल्ट्स हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिख लिए. तो ये मेटल्स है जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, और सॉल्यूशंस है जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट. और यहाँ इस टेबल को देखकर आप मेकआउट कर सकते हो कि ये हमें बता रहे हैं कहाँ रिएक्शन होगा या कहाँ नहीं होगा. जहाँ पे डैश है वहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा, और जहाँ नो रिएक्शन है उसका मतलब तो है ही कि वो नहीं होगा. अब क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रॉम द अबव डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन करके देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो किसने नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्लेस ज्यादा किया है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जिसने नंबर ऑफ टाइम डिस्प्लेस कम किया है वो लेस रिएक्टिव है, और जिसने किया ही नहीं है वो लीस रिएक्टिव है. अब यहाँ पे आप देखो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पहले और जो सबसे कम होगा वो बाद में आएगा. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डिस्प्लेस हमने 4 बार तो किसी ने नहीं किया, इसने 3 बार किया, इसने 2 बार किया, इसने 1 बार किया और इसने किया ही नहीं. तो मोस्ट रिएक्टिव आपके पास एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जिंक होगा, उसके बाद आयरन होगा और फिर कॉपर. तो बी आपका करेक्ट आंसर है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट काउंट करके आप उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित चेक द ओडोर ऑफ अनियन जूस. अनियन जूस का ओडोर चेक किया अमित ने, एंड देन ही एडेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अनियन जूस इन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन. मतलब 2 टेस्ट ट्यूब, एक के अंदर HCl है और एक के अंदर NaOH है, और उसके अंदर इसमें अनियन जूस डाल दिया गया. ओके, ये आपका एसिड बेस से क्वेश्चन है, शायद आप पहचान चुके होंगे. सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, सो लेट मी टेल यू दैट इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज वी हैव इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर बेसिकली द केमिकल सब्सटेंसेज जिनके कलर में या जिनके ओडोर में चेंज आ जाता है जब आप इसमें कोई एसिड या बेस डालते हो. तो अनियन जूस भी एक ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है. ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब जब उसको एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं, ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इट्स स्मेल. ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि एसिड्स के साथ अनियन जूस की स्मेल जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो खत्म हो जाती है, बेस के साथ बेसिकली खत्म हो जाती है. अब यहाँ दिया है कि ओडोर ऑफ अनियन जूस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट वैनिश्ड. बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, मतलब एक बेस है, और बेस के साथ अनियन जूस का जो स्मेल है वो खत्म हो जाता है. और डोर ऑफ अनियन जूस इन डाइल्यूट HCl रिमेन सेम, करेक्ट. विद एसिड्स इट रिमेन सेम, क्योंकि HCl एक एसिड है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अनियन एक्ट एज एन ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ट्रू, बिकॉज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं होता तो इसकी ओडोर में चेंज नहीं आता. सो दैट मीन्स द स्मेल ऑफ अनियन वॉज अनप्लेजेंट, ये सही नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही है. सो डी वुड बी द राइट आंसर. तो डी को आप मार्क कर दो. तो इस तरीके से आपने इंडिकेटर्स के नाम, कौन सा ऑल्फैक्ट्री है, कौन सा जिस किसमें कलर चेंज आता है, कौन सिंथेटिक है, कौन नेचुरल है, किसका क्या सोर्स है, क्या कलर चेंजेस है, वो आपने अच्छे से थॉरली लर्न करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ कोटिंग ऑन जिंक विल बी ऑब्जर्व्ड इन, यू हैव फोर बीकर्स. अब कोटिंग कहाँ होगी, ये क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ये बेसिकली पूछने की कोशिश की गई है कि रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहां रिएक्शन होगा वहां पे कोटिंग होगी और जहां रिएक्शन नहीं होगा वहां कोटिंग नहीं होगी. अब देखो, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, तो बेसिकली रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस करेगा. तो ZN ने यहाँ आयरन को करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा जरा, जिंक पहले आता है फीके बाद में आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ कोटिंग आपको मिलेगी क्योंकि रिएक्शन हो रहा है. जिंक प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक और जिंक का तो रिएक्टिविटी सेम है. ZN प्लस CuSO4, ये तो आप देखते ही पहचान जाते हो कि रिएक्शन होगा, इतने एग्जाम्पल्स कर चुके हो क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. जिंक प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक लेस रिएक्टिव है. तो बेसिकली दो बीकर्स में रिएक्शन हो रहा है तो कोटिंग भी दो में होगी. तो आपके पास ऑप्शन है 1, 3, 1, 2 या 3, 4. तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज ए वुड बी द राइट आंसर. जब इतनी जल्दी मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ और ना, और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाती हूँ और मुझे पता भी लग जाता है कि करेक्ट आंसर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ, मेरी तैयारी बेटर है. एंड आई होप आप भी इसी तरीके से तैयारी करो ताकि पेपर में आपको भी ये कॉन्फिडेंस आए. आपको पता है, कॉन्फिडेंस जब हमारा बूस्टअप होता रहेगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप और कॉन्फिडेंट होते रहोगे, वो परसेंटेज लेवल बढ़ता रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीजन एसर्शन. सो ZN प्लस 2HCl फॉर्मिंग ZnCl2 प्लस H2. इस रिएक्शन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अब अगर मैं रिकॉल करूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होती है जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह ले लेता है, और ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है. तो बेसिकली एसर्शन हमारा ट्रू है, सही है. जिंक बिंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू. और जब एसर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो हमारा आंसर होता है ए, ऑप्शन ए. सो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. वीक एसिड्स बोले तो मतलब पानी में डाला तो पूरा का पूरा वो नहीं टूटता, अनडिसोसिएटेड भी होता है. और आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस की वजह से होती है, तो आयंस कम तो कंडक्टिविटी भी कम, तो मतलब एसर्शन सही है. द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, विच इज फॉल्स. क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इक्वल कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा डिसोसिएट हो जाता है और वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट होता है, तो रीजन तो बिल्कुल गलत ही है. तो एसर्शन यहाँ पे सही है और रीजन फॉल्स है, और ऐसा जब हो तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स टेक प्लेस अक्रॉस द फ्लोएम. जो ट्रांसलोकेशन है सोल्यूट्स की वो फ्लोएम के अक्रॉस होती है, बिल्कुल सही है क्योंकि फ्लोएम का काम ही ट्रांसलोकेशन करना है. ओके, सोल्यूट्स कैन बी ट्रांसलोकेटेड बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. यस, प्लांट तो पूरा ही है और पूरे प्लांट को ही सोल्यूट चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है. तो मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है एसर्शन को. तो मतलब वी गो विद बी, कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली द हाइट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड, राइट. सो दैट मीन्स असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, और यही कारण है कि हाइट पॉजिटिव होती है. सो दैट मीन्स वील गो विद ऑप्शन ए, कि दोनों करेक्ट है और रीजन एसर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 students स्टडीड रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट HCl. तो बेसिकली जिंक और Na2CO3 का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ किया गया, और साथ में एक और चीज के साथ किया गया, NaOH के साथ भी. यहाँ पे NaOH भी लिख लेती हूँ मैं, ठीक है. तो उसके बाद हमें कहा गया कि हमें एक टेबल में टिक का मतलब रिएक्शन हो गया, गैस इवॉल्व हुई, और एक्स क्रॉस का मतलब रिएक्शन नहीं हुआ. तो पहले तो हम खुद ही करके देख लेते हैं, ये रिएक्शन होगा क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी रिएक्शन होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और ये बनेगा. और यहाँ पे जिंक NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा सोडियम जिंकेट, और साथ में आपके पास आ जाएगा H2, और Na2CO3 NaOH के साथ नहीं करेगा क्योंकि Na Na दोनों सेम है.
तो बेसिकली यहाँ पे जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट किया, टिक NaOH के साथ भी किया, टिक इसके साथ भी किया और इसके साथ नहीं, तो ये सही है। सेकेंड में जिंक HCl के साथ कर रहा है, NaOH के साथ कर रहा है, बट Na2CO3 HCl के साथ नहीं कर रहा, ये गलत है। ये तो गलत ही है क्योंकि जिंक तो दोनों के साथ कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो है ऑब्जर्वेशन वन में। तो द राइट साइड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय स्टूडेंट वन, ही इज एन इंटेलिजेंट एंड यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक दैट, एंड फॉर दिस यू हैव टू थॉरली प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट पंप ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। विच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड? अब अगर मैं फ्लो ऑफ ब्लड को रिकॉल करूँ तो मुझे पता है कि जो लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे अरोटा में, अरोटा से बनती है आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर बिगर वेन्स, सीधा स्मॉलर वेन्स, बिगर वेन्स, और बिगर वेन्स फिर अपना सिक्रीशन डालती है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है लंग्स में, और लंग्स से पल्मनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हमारा प्रॉपर फ्लो चार्ट होता है। अब यहाँ सीक्वेंस है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर अरोटा, नहीं अरोटा राइट वेंट्रिकल के साथ लिंक नहीं है, राइट एट्रियम टू अरोटा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगी पहले। लेफ्ट एट्रियम अरोटा, नो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा, दिस इज करेक्ट, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस, लेट मी रिकॉल दिस फैक्ट टू यू दैट पैनक्रियाज इज द ओनली ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन नेचर। मतलब ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है और ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। पैनक्रिया सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और पैनक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। आपको पता है अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है, लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, विच इज रॉन्ग। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, रॉन्ग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ट्रू। ट्रिप्सिन लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन्स, नो। सो सी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स पे कन्वर्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन तो आपको पता है ना, एक ऐसा एक्ट जिसपे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसको यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ताकि उससे CO2 और एनर्जी मिले, और फिर इस CO2 को हम क्या करते हैं, इट इज गिवन आउट। ओके, तो स्टेटमेंट्स क्या दिए? गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ट्रू। इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज लिव, दिस इज इनकरेक्ट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, नॉट लिव। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट टू इंश्योर द एयर पैसेज डजंट कोलैप्स, ट्रू। एंड यू नो दैट थ्रोट इज ट्राकिया ओनली। सो बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सी वाला है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है ना कि लिम्फ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। तो एक डॉक्टर ने लेंस प्रिस्क्राइब किया 1.5 डायोप्टर का, प्लस का मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ओके, फोकल लेंथ पूछी गई है, तो फोकल लेंथ का तो आपको पता है निकालना बहुत इजी है, मीटर में है, इसलिए मैंने 1/f वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f बिकम्स 1/1.5, 10/15 सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.67 मीटर। सो बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ फोर मीडिया पी क्यू आर एन एस, चार मीडियम्स है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेसेस आपको इस डेटा में दिए गए हैं, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी एंड मीडियम डी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, 1.50, 1.52 एंड 2.40।
और आपको मैं याद करा दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है मतलब वो बहुत डेंसर होता है और उसमें स्पीड बहुत स्लो होती है, और वाइस वर्सा भी इसका आपको पता ही है. सो इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देखते हैं, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी, ये सबसे डेंसर है, इसमें स्पीड सबसे स्लो है, और सबसे कम वैल्यू है इसकी, मतलब ये रेयरेस्ट है. ठीक है, स्पीड सबसे ज्यादा. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डी इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी. डी और सी को कंपेयर करते हैं, डी में मोर स्पीड कहाँ से हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, ये गलत है. मीडियम बी इज रेयरेस्ट, नहीं, जिसका वैल्यू सबसे कम होता है वो रेयरेस्ट होता है और उसमें स्पीड ज्यादा होती है, तो ये भी गलत है. स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, नो इट वॉन्ट रिमेन सेम, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू डिफर स्पीड भी अलग होती है. मीडियम ए इज रेयरेस्ट विच इज करेक्ट, क्योंकि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वो रेयरेस्ट होता है और उसमें स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है. सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस एसेंशियल ऑयल. तो प्लांट्स के अंदर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल से कौन सा बनता है? आई होप यू रिमेम्बर, इट इज रेजिन्स, इट इज रेजिन. सो सी वुड बी द राइट आंसर. ना तो गम होता है, ना लैटेक्स, ना टैनिन, इट इज रेजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज केप्ट टू लॉन्ग इन अ लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है. कहने में लार्ज है लेकिन ये वाइड एंड शॉर्ट होती है और इसके अंदर बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, तो अगर ज्यादा देर तक लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रहेगा तो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड ड्राई और हार्ड हो जाएगा. डाइजेशन से इसका कोई रोल नहीं है, एब्जॉर्प्शन से इसका कोई रोल नहीं है. तो बेसिकली ए वुड बी द राइट आंसर, दैट एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, इट विल बिकम ड्राई एंड हार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एट 40 डिग्री. तो आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म है आपके पास जिसपे जो लाइट है वो फॉल कर रही है एट एंगल 40 डिग्री एंड इमर्जेस आउट ऑन द अदर फेस एट द सेम एंगल. मतलब एंगल आई भी 40 है और एंगल ई भी 40 दिया है, तो डेविएशन बतानी है. तो आपको पता है डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर. अब ई सॉरी, अब यहाँ पे हमें डेविएशन निकालना है, सो इट बिकम्स आई प्लस ई माइनस ए. सो ये आपके पास हो गया 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री. सो बेसिकली दिस विल कम आउट टू बी, इसका जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी एंगल डी वुड बी 20 डिग्री, और आपके पास ऑप्शन में 20 डिग्री दिया भी है, तो सी वुड बी द राइट आंसर. सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब सीधा कोई लाइट फॉल कर रही है, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मतलब रिफ्रैक्शन की केस में पूछा गया है एयर और ये आपके पास हो गया डेंसर मीडियम ग्लास. तो जब कोई रे नॉर्मल फॉल करती है उस वो रिफ्रैक्ट होती नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, वो अनडेविएटेड चली जाती है, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? जब डेविएट ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज गोना बी 0 डिग्री, सो इट वुड बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द अबव डायग्राम, दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू एंड वॉट इज गिवन, एट वॉट रेंज ऑफ डिस्टेंसेज शुड अ कैंडल फ्लेम बी हेल्ड. हम कैंडल फ्लेम को किस डिस्टेंस पे रखें मिरर से ताकि हमें रियल इमेज मिले स्क्रीन पे. अब यहाँ पे आपको दिया है एफ, दिया है फोकल लेंथ बेसिकली 20 सेंटीमीटर, ओके माइनस 20, और स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब वी भी दिया है माइनस 50. ठीक है, तो माइनस 50 का मतलब है जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और यहाँ आपको रियल इमेज दिया भी गया है. सो ऑब्वियसली जो हमारा कैंडल फ्लेम होगा इट हैज़ टू बी केप्ट समवेयर बिटवीन 20 टू 40 सेंटीमीटर.
सो बी वुड बी द राइट आंसर. तो यहाँ पे अगर आप रे डायग्राम्स के लॉजिक को और वो जो चार्ट हमने लर्न किया था उसको यूज करोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कब हमें कहाँ पे पोजिशन ऑब्जेक्ट की या इमेज की क्या होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म गिवन अबव फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुड बी. मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें कितना चाहिए. अब ये देखो, इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ये इसका नॉर्मल बन रहा है, तो बेसिकली ये एंगल 90 है तो ये पूरा आधा हो जाएगा 45, बट ये एंगल आर आपके पास रहेगा 90 डिग्री. सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, आपको पता है यहाँ पे आर आपके पास कितना है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इट हैज टू बी 90, और ये आपको दिख भी रहा है. सो बेसिकली स्नेल्स लॉ को अगर मैं यूज करूँ तो इट वुड बी म्यू इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करती हूँ इट विल कम आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू 1/√2 एंड इट विल बी इक्वल टू √2. सो बेसिकली ऑप्शंस में यहाँ पे √2 दिया है, तो बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ रे डायग्राम अगेन, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f एंड यू आर गेटिंग अ इमेज बियॉन्ड 2f. ओके, अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 50, और आपको पता है इस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो प्लस में डालेंगे. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 mm अगर सेंटीमीटर में करें तो आपको पता है 10 mm इज इक्वल टू 1 cm. इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 60 cm, यू इज ऑलवेज नेगेटिव -60. फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, वी नीड टू फाइंड द एच आई. अब आपको पता है ये लेंस है तो m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ करके हम निकाल सकते हैं, बट वी डोंट हैव एच आई एंड ऑल्सो m, तो हमें पहले तो m निकालना होगा. तो m निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v बाई यू, अगेन वी डोंट हैव v, तो वील मेक यूज ऑफ लेंस फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो f वुड बी 50, v वुड बी हमें फाइंड करना है एंड u वुड बी -60. इसको आप सॉल्व करोगे, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस तो आई एम जस्ट राइटिंग द डायरेक्ट आंसर, v वुड बी इक्वल टू +300 cm. जब आप इसको सॉल्व करोगे v कितना आ जाएगा, +300. अब जब v 300 आ जाएगा तो इस फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करें सो इट विल कम आउट टू बी डायरेक्टली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा -5. ओके, तो -5 के बाद आप यहाँ पुट करो तो एच आई हमें फाइंड करना है, एच ओ है हमारे पास 1, सो इट विल बी इक्वल टू -5 cm. मैं यहाँ लिख देती हूँ इट इज -5, डायरेक्ट ऑप्शन भी दिया ही है, तो ए हमारा राइट आंसर है. तो यहाँ पे कभी भी कोई अननोन वेरिएबल होगा तो आप लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, हाइट से रिलेट करते हुए इनके आंसर्स निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव एलिमेंट्स ए बी सी डी, वी हैव देयर प्रॉपर्टी लस्टर हार्डनेस एंड हीट कंडक्टिविटी, कि वो शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ड है या सॉफ्ट है, पुअर है या गुड कंडक्टर है. तो हमें पूछा गया है विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होगा. अब आपको पता है यूटेंसिल बनाने वाली चीज लस्ट्रस भी होनी चाहिए, शाइन भी होनी चाहिए, हार्ड भी होनी चाहिए और हीट कंडक्टिविटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए. तो जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी बेस्ट सूटेड. अब इसमें से देखो बेसिकली हमारे पास सी ही है सिर्फ जो जिसके अंदर सारी क्वालिटीज है, क्योंकि डी पुअर कंडक्टर है, बी हार्ड नहीं है और ए ना तो लस्ट्रस है ना हार्ड है और ना ही हीट कंडक्टिविटी है. सो सी वुड बी द राइट आंसर. सो ओनली सी वुड बी सूटेड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रेफर टू द फिगर्स, डेटाज एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर आपको अपना राइट आंसर चुनना है. तो टाइम को भी मैनेज करना है और सही आंसर भी देना है. अब वो उसके लिए आपको बहुत ट्रिकी होना पड़ेगा, ठीक है. सो प्लीज मेक यूज ऑफ योर नॉलेज, योर ट्रिक्स, एंड ये तब काम आएंगे जब तैयारी बहुत अच्छी से होगी आपकी. So with this we have completed section B also. So now let's quickly begin with section C and just complete this paper.
एज यू ऑल नो के सेक्शन सी के अंदर हमारे पास होने वाली है केस स्टडीज. तो बेसिकली यहाँ पे 3 केस स्टडीज आपके पास होंगी, मतलब बेसिकली एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी पे बेस्ड हर केस स्टडी पे आपके पास 4 MCQs पूछे होंगे. तो टोटल 3 केस स्टडीज, 4 MCQs पर केस स्टडी, दैट मीन्स टोटल 12 questions. तो आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 questions. सो मेक श्योर कि जो आपको बेस्ट 10 आते हो उन्हीं को आप पहले करना, बिकॉज जो फर्स्ट 10 है वही आपके कंसिडर किए जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी. तो पहली केस स्टडी यहां पे हमारे पास है, 2 टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन विद डिफरेंट सॉल्यूशंस. 2 टेस्ट ट्यूब्स, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, उनमें डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट. तो यहाँ पे ए वाले में है कॉपर सल्फेट विच इज CuSO4 और बी वाले में आयरन सल्फेट विच इज FeSO4. ओके, ऑब्जर्व द 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम. ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और क्या चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे आयरन नेल है और इसमें कॉपर वायर डिप्ड है. मीन्स यहाँ पे रिएक्शन Fe प्लस CuSO4 के बीच में होने वाला है और यहाँ पे Cu और FeSO4 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे है कॉपर वायर. सो लेट मी टेल यू, यहां तो रिएक्शन हो जाएगा और FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में है जिसमें ये मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर के कंपैरिजन में. ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन विल अकर. बट अगर मैं बात करूं यहां की, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो यहां पे इस टेस्ट ट्यूब बी में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला. सो बेसिकली यहां पे नो रिएक्शन है. और आपको सबको पता है कि जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू. तो यहां पे जब रिएक्शन होगा तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन में, क्योंकि आपको पता है आयरन के जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली दे आर डर्टी ग्रीन, लाइट ग्रीन और ग्रीन. तो कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. अब पढ़ते हैं इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब ए. टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा रिएक्शन है. अब रिएक्शन तो हो रहा है Fe प्लस CuSO4, Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, डिस्प्लेस कर रहा है और आपके पास आ रहा है FeSO4 प्लस Cu. सो बेसिकली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का रिएक्शन है. अब डीकम्पोजिशन में तो एक ही रिएक्टेंट होता है, लेकिन यहाँ तो रिएक्टेंट 2 है, तो बेसिकली ये डीकम्पोजिशन नहीं है. कॉम्बिनेशन को पहचानने का मतलब होता है एक प्रोडक्ट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी नहीं है. और न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी 1. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद करेक्ट फिजिकल स्टेट्स अकरिंग इन टेस्ट ट्यूब ए. अब टेस्ट ट्यूब ए में मैंने आपको बताया रिएक्शन तो हो ही रहा है Fe प्लस CuSO4 फॉर्मिंग FeSO4 प्लस Cu. अब यहाँ पे Fe जो है वो सॉलिड है क्योंकि आयरन नेल है, ये एक सॉल्यूशन है एक्वस, ठीक है, और ये अब एक्वस सॉल्यूशन आ गया और आपके पास ये सॉलिड आ गया. तो यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 सॉलिड, एक्वस, एक्वस, सॉलिड, ये सही लग रहा है, इवन बैलेंस्ड भी है. यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, नो दिस इज नॉट लिक्विड, दिस इज एक्वस. Fe सॉलिड, CuSO4 एक्वस, यस, Fe2O3 तो बनेगा ही नहीं. Fe प्लस CuSO4 फॉर्मिंग FeSO4 Cu, रिएक्शन तो सही है, सॉलिड एक्वस, FeSO4 सॉलिड, नो नॉट एट ऑल. सो ए वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम केस स्टडी, इन टेस्ट ट्यूब बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हम रिकॉल कर लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी में था क्या. टेस्ट ट्यूब बी में नो रिएक्शन था क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. ओके, सो कॉपर विल डिस्प्लेस आयरन, नो नॉट एट ऑल, इट इज लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट. कलर ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज, नो, जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो कलर कैसे चेंज होगा. द टेम्परेचर वुड इंक्रीज, नो, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो बेसिकली डी वुड बी द राइट आंसर कि यहां पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम केस स्टडी, व्हाट विल बी द चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब ए. Yes, there will be a color change, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है. एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है और आयरन का क्या होता है, ग्रीन, डर्टी ग्रीन, लाइट ग्रीन, कुछ भी लिख सकते हो. सो ग्रीन टू कलरलेस, नो, ब्लू टू लाइट ग्रीन, ट्रू, ब्राउन टू कलरलेस, नो, ब्लू टू डार्क ब्राउन, नो. सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस.
तो पहली केस स्टडी हो चुकी है और जो कि आपको पता है केमिकल रिएक्शंस पे थी, और अभी हम करते हैं केस स्टडी टू। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नीट सा हार्ट का डायग्राम। सो बेसिकली इट इज फ्रॉम योर लाइफ प्रोसेस पार्ट थ्री, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो वी हैव ह्यूमन हार्ट एक्ट्स लाइक अ पंपिंग मशीन इन अ बॉडी एंड पुशेस आउट ब्लड इनटू अ ब्लड वेसल्स। ट्रू, क्योंकि आपको पता है हार्ट ही तो हमारा पंपिंग ऑर्गन, एक मशीन की तरह काम कर रहा है जो ब्लड को पंप कर रहा है ब्लड वेसल्स में। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। यस ट्रू, ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, अगेन करेक्ट। दीज चैम्बर्स आर मेंट टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रू, क्योंकि हम चाहते हैं प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड सेपरेटेड रहे, तभी चैम्बर्स है। डायग्राम गिवन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड वी कैन मेक आउट बाय लुकिंग एट द डायग्राम इटसेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन है पार्ट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय। सो पार्ट ए एंड बी बेसिकली वेंट्रिकल्स है, ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। और आपको पता है हार्ट के अंदर जितना भी सेपरेशन हो रहा है दैट इज सेप्टम, ऑरिकल्स के बीच में इंट्रोऑरिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ दो वेंट्रिकल्स का पूछा है तो वो वॉल्स भी नहीं है, वो कैपिलरीज भी नहीं है, वो मसल्स भी नहीं है, वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इंटर मीन्स बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के, सेप्टम मतलब डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम। अब जो राइट एट्रियम होता है आपके पास उसमें ब्लड तो आता है, कहाँ से आता है? क्वेश्चन है कि प्योर आता है इम्प्योर आता है? इम्प्योर आता है। कौन लेके आता है? वेन्स लेकर आती है। और कौन सी वेन्स हैं जो सारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड लेकर आती है? अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा और लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कैवा। सो आंसर वुड बी सी, क्योंकि पल्मोनरी रोटा तो प्योर ब्लड लेकर जाती है और वो भी लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन आपको पता है कि दिस इज नॉट पल्मोनरी, इट इज पल्मोनरी, ओके दिस इज पल्मन, दिस इज अरोटा जस्ट, ओके। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है यहाँ पे एक्सेप्शनल है क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, दैट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज द इम्प्योर ब्लड टू द राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट डी, वेयर इज डी? This is D. So D is basically the aorta. D is basically the aorta because it is a longitudinal section. So it receives oxygen-rich blood. Yes, उसमें oxygen-rich blood आता है from right ventricle. No, right ventricle में तो खुद ही कभी oxygenated blood नहीं आता. It receives carbon dioxide-rich blood. मतलब impure नहीं. Aorta always carry pure blood. It receives oxygen-rich blood from the left ventricle. True. और body parts में देती है. True. It receives oxygen-rich blood from the left ventricle and circulate to the lungs, not to the lungs. So that means C is the correct answer. कि इसमें pure blood left ventricle से आता है और ये सारे body parts में supply करती है. Next question. यहाँ पे आपको कुछ identification दी है. C pulmonary artery having deoxygenated blood. F pulmonary vein having deoxygenated blood, C aorta having oxygenated blood and F pulmonary vein having oxygenated blood. हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। तो basically C की अगर मैं बात करूँ तो yes, C is pulmonary artery having deoxygenated blood. True. F is a pulmonary vein having deoxygenated blood is again correct. C aorta नहीं है, aorta is D. F is pulmonary vein, true है. Having oxygenated blood, yes, this is correct. Yes, उसमें pure blood होता है because it is an exceptional vein जो कि pure blood लेकर आती है. So, 2 and 4 are the correct option and where we have 2 and 4. So, basically, यहाँ पे हमारा, एक minute, let me check कि question में कुछ misprinting तो नहीं है. Just give me a second, let me check. This is yes, it is 1 and 4. I'm looking for 2 and 4. मैंने यहाँ correct mark कर दिया, but I'm looking for the another option. Yeah, this is 1 and 4. और 1 and 4 हमारे पास है, so D would be the right answer. So make sure, जैसे यहाँ confusion मुझे हुआ, आपको ना हो. Next case study, we can see, you know, the mirror here. That means it is based on reflection. Raman wanted to know about the uses of convex mirror on learning
He understood that a convex mirror is also a simple way of improving the safety in a warehouse or a production environment. In a work environment or a warehouse, convex mirrors can be placed at crossing or blind spots to enable workers to see approaching for lifts, other vehicles or approaching colleagues. Okay. This provides employees with the necessary overview of their work environment and therefore increases the safety. When Raman tries to move object away from the convex mirror, he noticed that the size of image. A convex mirror jo hota hai, that always form virtual, erect and diminished image. Ye hame pata hai. So when you move the object away, so basically kya hoga? He noticed that the size of image, it decreases with distance. Jitna zyada distance badhega, jo size hai wo aur chota hota jayega. So B would be the right answer. It won't increase, it will change and the brightness will decrease. Ye bhi galat hai. Basically, it decreases with distance. Next question. We have the image formed with a convex mirror of focal length 30 cm is 1/4 of the object. Select a row containing the correct value of object and image distance. Numerical hai basically. Convex mirror hai, focal length aapko diya hai 30 cm. कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है इसका जो फोकस होता है वो इस साइड पे होता है बेसिकली इट इज पॉजिटिव ओके मैग्निफिकेशन क्वार्टर वन फोर्थ दिया है तो मतलब एम इज 1/4 इट ऑलवेज फॉर वर्चुअल इरेक्ट सो आई एम टेकिंग इट इन पॉजिटिव हमें यू और वी पूछा गया है अब ना हमारे पास यू है और ना वी है जब भी आपके पास यू वी ना हो एम हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हो तो आपको पता है फॉर मिरर इट इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू तो m आपके पास है 1/4 माइनस v ओवर u सो बेसिकली यहाँ पे हम u की वैल्यू v की टर्म्स में ले लेंगे दैट विल बी माइनस 4v अब यहाँ पे आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि मिरर फॉर्मूला लगाकर हम v के लिए सॉल्व कर लेंगे इट वुड बी 1/v प्लस 1/u तो यहाँ पे f है 30 v है हमने u की टर्म्स v हम v ही लेंगे और u को हमने v की टर्म्स में ले लिया है माइनस 1/4v अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस तो मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ यहाँ तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v आएगा यहाँ पे दैट वुड बी 22.5 एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे ना आप तो इट वुड बी 22.5 सेंटीमीटर अब जब इसको आप 22.5 सेंटीमीटर को यूज करते हुए यहाँ पे पुट करोगे 1/4 इज इक्वल टू माइनस 22.5 और u फाइंड करोगे तो u आपका आ जाएगा माइनस 90 सेंटीमीटर सो दैट मीन्स माइनस 22.5 तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा u इज माइनस 90 सॉरी दिस a इज द राइट आंसर सो a वुड बी द राइट ऑप्शन तो क्या किया याद रखो जब आपके पास m दिया हो f दिया हो u भी ना हो तो आप किसी भी वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू ले सकते हैं और फिर मिरर फॉर्मूला लगाकर और फिर मैग्निफिकेशन निकाल लगाकर आप u एंड v दोनों को फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिज फ्रेंड नोटेड सम प्रॉपर्टीज अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर विद दिस डेमोन्स्ट्रेशन क्या कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यस कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है ट्रू कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म रियल एंड वर्चुअल नो इट नेवर फॉर्म रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड वाइड व्यू वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड यस दे प्रोवाइड वाइड व्यू दैट इज द रीजन दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर सो अबव मेंशन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें बताना है कि रियर व्यू मिरर क्यों यूज होता है बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड गिव्स अ वाइड व्यू 1 and 3 आर करेक्ट सो दैट मीन्स वील गो विद ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 cm इन लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 7 cm इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm यू इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव फॉर कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 आपको पता है कभी भी आपके पास रेडियस होता है उसका हाफ कर दो तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाती है एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज एच आई और वी हमें निकालना है तो हमारे पास वी यू एफ हमारे पास वी अननोन है तो हम मिरर फॉर्मूला को पहले यूज करेंगे तो एफ आपके पास है 1/15 वी आपके हमें निकालना है यू है -20 इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास v आ जाएगा 60/7 cm+ का ठीक है तो दिस इज द v
अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो वी आपके पास दो जगह पे 60/7 दिया है, तो ए और बी में से ही कोई करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, अब हमें चाहिए दूसरी साइज, तो पहले हम एम निकाल लेंगे। एम आपको पता है माइनस वी ओवर यू होता है, या इसको आप सीधा रिलेट कर सकते हो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मतलब -60/7, यू आपके पास है -20, एच आई हमें निकालना है और एच ओ हमारे पास है 7। तो एच आई के लिए जब आप सॉल्व करोगे, सो एच आई विल बी -60 × 7 डिवाइडेड बाय 7 × -20, सो दिस विल कम आउट टू बी +3 cm। तो यहाँ पे मतलब बी हमारा राइट आंसर है। तो आप याद रखो, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे बच्चे, वहाँ मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसी को यूज करते हुए आपको अननोन वेरिएबल सॉल्व करना होता है। बट मेक श्योर कि आप साइन कन्वेंशंस अच्छे से लर्न करो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर। आई होप कि आपको पूरा सेक्शन ए बी सी थॉरली समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना बच्चे, तो आप पूरा टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये डेटाबेस क्वेश्चंस जिससे बहुत डर लगता होता है बच्चों को, उससे आप डरोगे भी नहीं, बिकॉज यू विल नो द ट्रिक हाउ टू अटेम्प्ट इट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल सक्सेस सीरीज, देन जस्ट डू इट राइट नाउ। दिस इज अ प्लेस विच विल हेल्प यू टू गेट सक्सेस। So me, Divya, signing off. We'll be meeting very soon. Till then, take care and prepare well. And please make your habit to write and learn. So thank you. Bye-bye. Take care.